हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडेज टॉपिक इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा 11th क्लास का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये कि वीडियो को जल्दी से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करवाते रहिएगा, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखें, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हमारी रही हैं, उसमें हमने पहले तो ये पढ़ा कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, क्या नीड है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि क्यों हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो आज जो टॉपिक है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हर बेसिक चीज को जो है, बेसिक करेक्टर्स को यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच टेक्स इनटू कंसीडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो देखो बेटे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक कंपेरेटिव स्टडी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारे और उनके जो करेक्टर्स हैं उनमें कितने सिमिलैरिटीज हैं और कितनी डिसिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं बात करूं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, या एक नॉर्मल हम पाथ लें इवोल्यूशन का, कि हमने कहा ठीक है फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, देन रेप्टाइल, देन एव्स मींस बर्ड, एंड लास्ट इज दी मैमल। तो आप देख रहे हैं ये जो वे हमारा गया है इवोल्यूशन का, जो ये पाथ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म कैसे एडवांस हो रहे हैं। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या देखेंगे कि एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल करेक्टर्स क्या होंगे, एनाटॉमिकल, इंटरनल स्टडी क्या रहेगी। ठीक है भाई, ऑर्गेनिज्म एक तो मॉर्फोलॉजी के तौर से, मतलब एक्सटर्नली हमने देखा कि ओके कुछ करेक्टर्स हैं मैच हो रहे हैं, लेकिन अब जब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल करेक्टर्स की, भी उनकी एनाटॉमी क्या होगी इंटरनली भी, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, अब उनमें हम चेक कर रहे हैं कि जाइलम, फ्लोएम की पोजीशन क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर है, बाहर है, मेटाजाइलम, ऐसे प्रोटोफ्लोएम या मेटाफ्लोएम, ये एनाटॉमिकल स्टडी रहेगी। देन साइटोलॉजिकल करेक्टर, तो साइटोलॉजिकल करेक्टर में रिलेटेड टू सेल, तो सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, और किस टाइप की ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी में क्या रहेगा बेटा, इंटरनल फंक्शनिंग, भाई सेल जो है किस तरीके से काम कर रहा है, या ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखें कि फिश है, दे रेस्पायर बाय गिल्स, वहीं अगर मैमल्स की बात करें, दे रेस्पायर बाय लंग्स। तो आप देख रहे हैं फिजियोलॉजी यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ऑन्टोजेनी मीन्स उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कैसी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स में हम देखते हैं कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू है, हार्ट 4 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स है, रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, टेस्टीज, ओवरीज है, स्पर्म्स है, एग है, पूरा एक डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है यहाँ पे, और पल्मोनरी मतलब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है। वहीं अगर हम फिशेज की बात करते हैं, तो फिशेज में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू है, प्लस वहां पे हर 2 चैम्बर है, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल है, हो सकता है कि वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिले, या एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनका क्या रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्टर्स को हम जब लेकर चलते हैं और वहां पे हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो ये हमारा बनेगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फर्दर, इट इंक्लूड्स होमोलॉजी, ये होमोलॉजी को इंक्लूड करता है, और होमोलॉजी क्या है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल स्ट्रक्चर डराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन फॉर्म। तो एक कॉमन फॉर्म क्या है और वहां से कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स क्या अराइज होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो होमोलॉजी है। ऑलराइट, तो जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब कि लाइफ स्टार्ट हुई, और लाइफ स्टार्ट हुई किस सेल से स्टार्ट हुई, और आगे आगे स्टेप वाइज जो है इवोल्यूशन कैसे होता रहा, और वहां पे हमने देखा कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सबसे एडवांस्ड मैमल्स में और सबसे लोएस्ट मैमल्स में क्या है। तो ये एक होमोलॉजी को जब हम देखते हैं, कंपेरेबल स्टडी, तो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स को ये स्टडी करेगा। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी रिलेट्स टू मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन।
तो अब जब थोड़ी एडवांसमेंट आई तब हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में वो मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है कि किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, वो कैसा है, ताकि एक सिमिलैरिटी जो है हम इनमें असाइन करें और अपने ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफाई कर सकें। देन कीमोटैक्सोनॉमी, अब कीमोटैक्सोनॉमी डेवलप हुआ, कीमो रिलेटेड टू केमिकल, सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ केमिकल्स इन क्लासिफिकेशन। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को जब हम लेकर चले और वहां पे जब जो सिमिलैरिटीज, कहने का मतलब क्या है, जब डिफरेंट केमिकल्स को लेकर हम चलते हैं और उन केमिकल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करेंगे या उनकी स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इट वॉज प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर। तो ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बेंथम और हुकर ने क्लासिफाई किया, मतलब प्रपोज किया इन देयर थ्री वॉल्यूम ट्रेजेडीज, दैट इज द बुक, जो उनकी बुक का नाम था, जो सारा क्लासिफिकेशन था वो था जेनेरा प्लांटेरम रिलेटेड टू प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ इस तरीके से अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यू किया। नाउ विच वन इज बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अब देखो हमने दो सिस्टम किए हैं, वन आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड इज नेचुरल। अब हमें ये देखना है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ज्यादा यूनिक है, ज्यादा बेटर है, और किस रिस्पेक्ट में, अब हम ये देखते हैं। इट स्ट्रेस ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव स्टडी। तो देखो बेटा, नेचुरल सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म पे या उनके जो कंपैरेटिव स्टडी पे है उन पे ज्यादा फोकस किया गया, ज्यादा एम्फेसाइज किया गया कि हम एक्चुअल स्टडी करें और हर ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल स्टडी करें, ताकि उनके रिलेशनशिप, उनके इवोल्यूशन के बारे में हम जान पाए। इट ब्रिंग्स एफिनिटीज अमंग नेचुरल रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्लूड अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कितनी बढ़िया बात, कितना अच्छा पॉइंट है ये यहाँ पे, कि ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म को ही रिलेट करता है जिनमें एक्चुअल में एक नेचुरल रिलेशनशिप है, जहां पे ये एक्चुअल में कोरिलेटेड हैं, और अगर कोई अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म होगा तो ये उसको एक्सक्लूड कर देगा। ऑलराइट, जैसे कि फिशेज हैं और बर्ड्स हैं, बर्ड्स को हम फिशेज में नहीं रख सकते और फिशेज को हम बर्ड्स में नहीं रख सकते, तो अब ये अनरिलेटेड एनिमल्स हो गए, तो हमने क्या किया, इनका एक अलग ही जो है एक अलग फाइलम तैयार किया, इनकी एक अलग क्लास तैयार की गई, ताकि जो क्लासिफिकेशन है वो इजी हो और स्टडी हर ऑर्गेनिज्म की बारीकी से की जाए। इट इंडिकेट फाइलोजेनेट, फाइलोजेनेटिक का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के भी बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है, एंड ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट टैक्सा भी तो तैयार होता है यहाँ पे। तो आप देखते हैं जैसे कि अगेन मतलब फिशेज है आपका, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो सभी का एक अलग टैक्सा यहाँ पे तैयार होता है। नेक्स्ट, इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड किया और सिर्फ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए ही यहाँ पर जगह रखी गई या उनको प्लेस किया गया। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरीके से ये बेहतर है। आगे जो है अब हम नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंस को स्टडी करते हैं। सो नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम इट इज हाईली यूजफुल इन द फील्ड ऑफ क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है बेटा वो क्विक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, वही जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इम्प्लॉयज आर्टिफिशियल कीज फॉर क्विकर आइडेंटिफिकेशन इन द फील्ड बिकॉज द सिस्टम एज सच इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन द फील्ड। तो ये तो क्या है, कुछ कीज मतलब कुछ ऐसे ट्रिक्स हमें देता है जिससे हम क्विकर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफन यूटिलाइजेस वन और टू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। तो ये क्या है, एक या दो जो है मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट लेता है, वही नेचुरल सिस्टम में द सिस्टम एम्प्लॉयज सेवरल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को लेकर चलता है। इन आर्टिफिशियल सिस्टम इट मे यूज हैबिट एंड हैबिटेट एज क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ये हैबिट या हैबिटेट को लेकर चलेगा, वही नेचुरल सिस्टम कभी भी हैबिट या हैबिटेट को लेकर नहीं चलता। द सिस्टम डज नॉट एम्प्लॉय करेक्टर लाइक एनाटमी। अब हमने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम में एनाटमी, साइटोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ऑन्टोजेनी किसी भी करेक्टर को ये कंसिडर नहीं करता, वहीं जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है।
होमोलॉजी इज नेवर स्टडी, आर्टिफिशियल ने कभी भी होमोलॉजी को स्टडी नहीं किया, जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये होमोलॉजी को स्टडी करता है, सभी करेक्टर्स को लेता है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है, मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स है या साइटोटेक्सोनोमी है। नाउ द सिस्टम गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल सिस्टम कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, और जबकि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमें क्या करता है बेटा, नेचुरल रिलेशनशिप और फाइलोजेनी के बारे में बताता है। इट रिजल्ट्स इन प्लेसिंग अ फाउंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, आर्टिफिशियल सिस्टम में तो हमने देखा कि ये अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग भी करता है, वहीं नेचुरल में देर इज लिटिल चांस ऑफ प्लेसिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने स्टडी किया कि ये अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड करता है, उनके लिए कोई ऐसा सेपरेट टैक्सा तैयार नहीं करता। नाउ द लास्ट, इट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफन गेट सेपरेटेड इन टू डिफरेंट ग्रुप, अब आर्टिफिशियल में तो अगर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनको भी सेपरेट ग्रुप में रखा गया, वहीं नेचुरल सिस्टम में हमने देखा अगर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में कोई एफिनिटीज है, कोई कंपैरेटिव स्टडी अगर उनकी सिमिलर है तो उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा। तो ये आपका था आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंस। सो ओके स्टूडेंट, ऐसे यूजफुल अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।